Look. प्रियांक की कोशिश कौए को अपनी कैद में लेने की, कौआ उड़ गया। प्रियांक फिर से भागते हुए सबको उड़ाते हुए। कौआ पेड़ पे बैठ गया है और प्रियांक ने सारे, प्रियांक इधर है, देखिए अरे बेटा देख, दो दो मेरी नीचे देख वो रही। अब प्रियांक भागेगा इनको पकड़ने के लिए। प्रियांक सोच रहा है मैं पकड़ लूं। उड़ती रही है, खेल करती है। प्रियांक एक कौआ भी। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच लाइव विद अस। आपने दिवाली के ब्लॉग देख लिए, अब आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन के दिन मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ गांव अपने। मम्मी पापा जा रहे हैं गांव टूंडला, वहां पे है मम्मी पापा एक मंदिर बनवा रहे हैं गांव में, उसका भूमि पूजन है आज। तो जगह की पूजा करके उसके बाद जो है वहां पे सब जो भी काम मंदिर के बनवाने का है वो स्टार्ट करेंगे। अभी हम हैं इस टाइम में ताज हाईवे के जो दूसरा टोल पड़ता है उस पर, और यहाँ पे प्रियांक चिड़ियाओं के साथ मस्ती कर रहा था, वो भी आप आगे देखिएगा। और अभी हम लोग बस आधा रास्ता तो काट आए हैं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं इस करीब, और जल्दी से जल्दी हमें गांव पहुंचना है और वहाँ पे ये सारा काम स्टार्ट करना है। सारे लोगों ने गाड़ी में बैठना स्टार्ट कर दिया और मैं भी पहुँचती हूँ गाड़ी तक, वो खड़ी हमारी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं गाँव, पहुँचते हैं गाँव में, मिलकर आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सारे लोग बैठ गए गाड़ी में, और कौन कौन है मेरे साथ, मम्मी है, पापा है, और प्रियांक है, तुषार है और ओम है। तो गाड़ी ये रही, चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, मैं आ गई अपने गांव में। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये हमारा घर है, सामने यहाँ पे ताई रहती हैं, और ये देखो ये इधर जो गोवर्धन महाराज रखे हुए हैं ये हमारा बैठका है ये सारा। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी कर देते हैं, और इधर भी ये क्या है, ये जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है, ये भैंसों का पूरा एरिया यहाँ पे, जो हमारी भैंसे हैं अंदर दिखाती हूँ, ये सारी बंदी रहती है, वो बेचारी ओ अरे भाई वो तो मुझसे डर गई, ओ उसने कूटा खड़े में भाई, भैंस मुझे देख के डर गई, खूंटा उखाड़ के भाग गई उधर। अब वो जो मेरा भाई वही तो अब वो जा रहा है उसका मालिक उसे काबू करने, वो मेरा ताई का तीसरा वाला लड़का, मेरा छोटा भाई है वो मुझसे, और ये इनका मालिक है, और देखो कैसे पकड़ने गया, इतना भारी खूंटा उखाड़ के भैंस भाग गई। मैं तो भाग गई बाहर, मैंने कहा भाई अगर इसने उठा के मुझे पटक दिया तो बस मेरी बन जाएगी वीडियो और हो गया काम। सच में मैं जैसे ही अंदर आई सीधा घूटा उखाड़ के भाग गई। हद हो गई यार, ऐसी भी क्या मुझसे खफा दी ये भैंस। पूरा उसमें लेके भाग गई, मैं तो डर गई यार। देख लो, देखो गाइस कितना भाई, मैं आऊं भी कैसे, मुझे डर लग रहा है इससे, ये मेरे ही चक्कर में। हाँ भारी तो है। ओए भाई ओम तो दूर ही रहे, ये मारेगी। हाँ कह रही आ जा, कह रही आ जा, यही देखूं तुझे, कह रही भैंस गुस्से में, कह रही तू आ तो सही देख, अरे एक को काट ले गई दूसरे भी ले जाएगी। चलो तो गाइस भैंस का तो आपने देख लिया, पता नहीं वो क्यों खफा हो गई, इतना गहरा गड़ा हुआ खूंटा उखाड़ के और भाग गई वहां पे। तो पर उसके मालिक ने उसे कंट्रोल कर लिया। आप चलते हैं घर के अंदर, वो वहां पे भैंसे बनती हैं। यहाँ पे ये पुराना बैठका है, ये गांव में जैसे बैठ बाहर लोग आए तो बैठने बैठने के लिए एरिया है यहाँ पे। अब जगह है तो गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हैं गोवर्धन, और ये मेन घर है ताई जिसमें रहती है। सबसे पहले मिलने मेरे ताऊ, ये मेरे ताऊ हैं, बहुत सीधे बेचारे। तो ताऊ बढ़िया बढ़िया, चलो अंदर चलते हैं आप। ये देखो अंदर घर, पूजा की तैयारी होते हुए झूला झूला जा रहा है कड़ुआ, ये देखो राजा झूला झूला आ रही है, ये धीरू भाई अम्मानी
सब पूजा के इंतजार में खड़े हो। मम्मी सामग्री ताई और मम्मी सामग्री मिलाने में लग रही है। ये तुषार बाबू और प्रियांक और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और शिवानी बहन जी राजा को झूला झुला रही हैं हाय करते हुए और भाभी गए अंदर। भाभी को लगी कि वीडियो बननी है, भाभी ने कहा मैं अंदर तो पक जाऊं। चलो तो और चाय मुझे पहले ही मिल चुकी थी, ये मेरी चाय, तो चाय पी लेती हूँ मैं तब तक अभी आगे जब पूजा करने चलते हैं वहाँ पे मिलते हैं। गाइस ये देखो, ये गोवर्धन बाबा को जगाने की एक रस्म है। ये गोवर्धन बाबा सो जाते हैं तो उन्हें जगाने के लिए देखो ढोलक बजा बजा के ताली पीट पीट के उन्हें जगा रहे हैं। अब ये क्या देगा? ये ना अनाज देगा और पैसे। ये अब धीरज जी ने अनाज और पैसे देगा जगाने के गोवर्धन बाबा को। और ये औरत नहीं है, ये लड़का है जिसने। गोवर्धन पूजा है, टाइम होता जा रहा है गोवर्धन पूजा का, पर अभी जाएंगे पूजा करने के लिए क्योंकि वो दिन जब मुंद जाता है, शाम होने लगती है, सूरज ढल जाता है जब पूजा करते हैं, ढलने पर होता है ये कह लो, रात में नहीं मतलब दिन मुंदने पर, दोनों टाइम जब मिलते हैं तब वो पूजा होती है। तो वही पूजा का टाइम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी आपको बाहर वहाँ गेट पर दिख रहा होगा कि टाइम अभी दिन निकला हुआ है तो, पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बहन होने का फ़ायदा। ये देखो अभी कहाँ लगी है, अभी तो लगना स्टार्ट ही शुरुआत हुई है ना, आगे आगे देखते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी दिखाएंगे कि मेहंदी कितनी बड़ी लगी है। अपनी नहीं, अपनी बहन होने का ये फायदा है ना, जहाँ बहनें दो बहनें मिलके कभी कुछ भी कर सकती हैं, आतंक भी मचा सकती हैं और सजा भी सकती हैं। तो अभी हाथों को सजाया जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद गोवर्धन पूजा के बाद पटाखों से आतंक भी मचाएंगे। चलो अभी ये अपनी मेहंदी आके लगा ले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मेहंदी लग चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आगे नहीं लगी है, पीछे पीछे लगी है, उस पूजा के बाद आगे लगाएंगे, पहले आप इसके बाद देखिएगा पूजा। पर मैं आपको, मैंने सोचा जब बोला है कि मेहंदी लग रही है तो मैं मेहंदी दिखा भी देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी कैसी लगाई है शिवानी ने। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। ये पीछे की लगाई है और आगे अभी हाथ खाली है। खैर अभी करवा चौथ की मेहंदी अभी सफाई कर करके साफ हो गई तो, पर बहन हो तो हाथ साफ कैसे हो सकते हैं, जिसको लगा नहीं आती हो तो कैसे साफ हो सकते हैं, तो इसलिए अभी आगे बाद में लगवाएंगे। पर यार थक इतने चुके हैं, भरोसा नहीं है कि रात को लगवा भी पाएंगे या वो लगा भी पाएगी कि नहीं, तो पीछे लग गई, आगे का देखते हैं। अभी चलते हैं हम गोवर्धन पूजा के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सब। पर बाहर थोड़ा अंधेरा रहेगा, पर कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, सामने ये गोवर्धन पूजा चल रही है, ये पापा पूज रहे हैं, प्रियांक को लेके ओम बैठा है, इधर धीरज है, ताऊ हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, सब छोटे छोटे लड़के हैं। गोवर्धन की पूजा जो है वो लड़के करते हैं और आदमी करते हैं, तो वही लोग ये इसमें ये जो टोकरा होता है उसमें पूड़ी, आठ पूड़ी, खील और घी अग्यारी ये रख के इसमें पूजते हैं और पानी से, जैसे हम पूजा करते हैं। सबके यहाँ पे पूजा करने की तो अपनी अलग अलग विधि है, पर गोवर्धन दिवाली के नेक्स्ट Yeah,
Yeah.
तो गाइज पटाखे पूरे चल चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, और गोवर्धन पूजा हो चुकी है, मेहंदी मेरे लग चुकी है। अब सब लोग खाना खाएंगे और जो भी करेंगे बातें बातें करेंगे। इतने दिनों बाद मिले अपनी शिवानी बहन जी से, तो मम्मी खुश हो रही हैं। आज मम्मी ने भूमि पूजन कराया मंदिर का, तो इसलिए मम्मी बहुत खुश है। और कुछ कहना चाहोगी? बस सब मंदिर के भूमि पूजन करा, अच्छे से मंदिर बन जाए, बस यही है। हाँ बहन जी आप तो अच्छा लगेगा। हाँ बस हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलो बाय 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 बाय, हैप्पी दिवाली।